हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिराज एंड ये है कार जासूस। वी आर ऑफिशियली इनटू इंडियाज फेस्टिव सीजन एंड फेस्टिव सीजन में इमोशंस एंड एनर्जी बहुत ही हाई रहती है। तो हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग। यस, तो अगर आप नई कार खरीदना चाहते हैं एंड आपका बजट जो है वो सिर्फ 15 लाख है तो ये वीडियो है आपके लिए। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 10। नंबर 10 पे है मारुति सुजुकी बलेनो। ओह यस, इट जस्ट मेड इट्स वे इनटू दिस लिस्ट। मारुति सुजुकी ने एक प्रीमियम हैचबैक का पहला अटेम्प्ट बनाया था 2015 में विद मारुति सुजुकी बलेनो एंड तभी से ये फैंस की चहेती रही है। ओह यस, एंड 2019 में इस कार को मिला एक फेसलिफ्ट, जिसमें इसको मिला एक नया बम्पर, नए हेडलाइट्स, नए टेल लाइट्स एंड फॉग लैंप्स, उसके साथ साथ नए अलॉय व्हील्स भी मिल चुके हैं। सबसे अच्छी और देखने जैसी बात यह है कि 2022 में इस गाड़ी को एक और फेसलिफ्ट मिलने वाला है, जहां पे बहुत सारे मेजर चेंजेस होंगे इन इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स। ऑल्सो वी आर होपिंग कि ये गाड़ी और फीचर्स के साथ लोड अप हो जाए सो दैट ये अपने राइवल्स के साथ कंपेयर कर पाए। ऑल्सो अभी की अगर हम वर्जन देखें, टॉप स्पेक अल्फा वेरियंट जो है इस गाड़ी का, उस केस में इफ यू सी इट गिव्स नॉर्मल फीचर्स एंड द फीचर्स आर लाइक 7-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, रिवर्स पार्किंग कैमराज, रिवर्स सेंसर्स एंड फीचर्स को देखते हुए आपको शायद लगे कि ये गाड़ी आई डोंट नो मुझे लेना है नहीं लेना है। बट अगर इसका प्राइसिंग देखेंगे तो इट्स प्राइसिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 5.99 लाख्स टू 9.4 लाख्स एक्स शोरूम। सो ये प्राइसिंग की वजह से लोगों के बजट में काफ़ी अच्छे से स्क्वीज इन कर जाती है। ऑल्सो लेट्स चेक आउट इट इंजन। इट गिव्स टू इंजन ऑप्शंस, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन विच पुट्स आउट 83 bhp एंड 113 nm टॉर्क। ऑल्सो जो इसका माइल्ड हाइब्रिड वर्जन है वो देता है आपको 90 bhp विद द सेम टॉर्क एंड ए कॉम्बिनेशन जो है वो इस गाड़ी को अलाउ करता है ARAI फ्यूल इकोनॉमी पे 21.96 किलोमीटर्स पर लीटर, वेर एज ऑटोमेटिक वेरियंट जो है इसका वो देगा 19.56 किलोमीटर्स पर लीटर। सो अगर आप देखें तो माइल्डली गुड फीचर्स बट अ ग्रेट प्राइजिंग एंड गुड इकोनॉमी के साथ साथ इस कार का एनकैप सेफ्टी रेटिंग जो है वो 3 स्टार है। अब 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स के साथ साथ भी अगर इस गाड़ी के साथ हम पैचअप कर ले मारुति की रिलायबिलिटी एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्विस रिकॉर्ड, देन दिस मेक्स अ वर्दी पिक एट नंबर 10। कमिंग एट नंबर 9 इज टाटा अल्ट्रॉस। टाटा अल्ट्रॉस का डिजाइनिंग एंड स्टाइलिंग अगर आप देखें तो आपके दिमाग में एक वर्ड आता है, ओ दैट्स सेंसुअस। ओह यस, टाटा अल्ट्रॉस का शार्क नोज लाइक फ्रंट एंड, स्लीक ग्रिल, बड़े प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ये बनाते हैं उसके स्टाइलिंग को बहुत ही अलग एंड आपको लगता है कि यस दिस इज द प्रीमियम हैचबैक आई वांट। अब प्रीमियम हैचबैक की बात करें तो उसमें अलग अलग फीचर्स कुछ कॉमन होते हैं, जैसे कि 7-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये तो प्रीमियम हैचबैक की जैसे बेस रिक्वायरमेंट हो चुके हैं। बट इसके साथ साथ आपको एडिशनल फीचर्स ऑफर करते हैं टाटा मोटर्स विद रेन सेंसिंग वाइपर्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही साथ आपको मिलता है अ बूट स्पेस विच इज द बेस्ट इन द सेगमेंट विच इज 345 लीटर्स एंड 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। नाउ दैट इज नाइस। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो ये कार एकमेव ऐसी कार है इस सेगमेंट में जिसने स्कोर किया है 5 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग्स। ओह यस, ग्लोबल एनकैप के 5 स्टार रेटिंग के साथ ये बन जाती है द बेस्ट एंड द सेफेस्ट प्रीमियम हैचबैक दैट इज देयर आउट। ये कार हमें देती है 3 इंजन ऑप्शंस, जिसमें 2 है पेट्रोल ऑप्शंस, दोनों ही 1.2 लीटर पेट्रोल है, बट जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है जो हमें देगा 86 bhp एंड 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। बट अगर आप 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल ऑप्शन में जाते हैं तो आपको मिलता है 110 bhp विद 140 न्यूटन मीटर्स टॉर्क एंड इसके साथ साथ आपको मिलता है 1.5 लीटर डीजल वेरिएंट जो आपको देता है 90 bhp एंड 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। बट ये सारे ही ऑप्शंस आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में ही अवेलेबल है, इसमें कोई ऑटो ट्रांसमिशन का मोड अवेलेबिलिटी नहीं होता है। इसी की वजह से 2 चीज़ें हो जाती है, एक ये थोड़ी सी रफ साउंड करती है ओवर द एजेस बिकॉज ऑफ इट्स मीक पेट्रोल इंजन, बट इसी के साथ साथ आपको इसकी फ्यूल इकोनॉमी बढ़ते हुए दिखती है। टाटा अल्ट्रॉस जो है वो डीजल हैचबैक सेगमेंट में सबसे सेकंड बेस्ट है अपने फ्यूल इकोनॉमी फिगर्स के साथ बिकॉज इट गिव्स 25.11 किलोमीटर्स पर लीटर। ऑल्सो इसका पेट्रोल वेरियंट जो है वो 19.05 किलोमीटर्स पर लीटर आपको एवरेज देगा। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट इट्स प्राइसिंग। इसका प्राइसिंग जो रहेगा वो होगा फ्रॉम 5.84 लाख्स टू
9.59 lakhs। अब ये प्राइसिंग जो है वो इसको काफी अच्छे से अफोर्डेबल बनाता है आपके बजट के लिए। सो अगर मैं ओवरऑल टाटा अल्ट्रोस की बात करूं तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मुझे लगता है बिटवीन अफोर्डेबिलिटी एंड सेफ्टी। भूलना मत इसका 5-star सेफ्टी रेटिंग्स मेक्स इट अ वर्दी पिक। सो कमिंग एट नंबर 9 इन दिस लिस्ट इज टाटा अल्ट्रोस। लेट्स गो चेक आउट नंबर 8। कमिंग इन एट नंबर 8 इज Hyundai i20। ओ यस, 2008 में अपने डेब्यू के साथ ही Hyundai i20 ने धूम मचा दी थी। ऐसा कहां जा सकता है कि Hyundai i20 वो कार है जिसने Hyundai कंपनी का प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में एक नया माइलस्टोन सेट कर दिया है। Hyundai क्या इतने बड़े सक्सेस इन इंडिया के लिए प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की i20 इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। इसका थर्ड जनरेशन मॉडल जो है वो आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीचर्स एंड प्ले विद इंटीरियर्स एज वेल एज एक्सटीरियर्स देता है। Hyundai i20 के एक्सटीरियर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलेंगे बड़े LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एंड फॉग लैम्प्स, आल्सो विद सिग्नेचर कास्केडिंग ग्रिल। इसके साथ ही साथ आपको मिलता है 16-inch डायमंड कट अलॉय व्हील्स। ओ यस, एंड वन ऑफ द वेरी यूनिक फीचर्स इन दिस सेगमेंट इज अ सनरूफ। ओ यस, Hyundai i20 ऑफर्स यू दैट आल्सो। इसी के साथ साथ ये आपको देती है जी शेप LED टेल लैम्प्स, शार्क फिन एंटीना एंड पडल लैम्प्स। अब चलिए इसके इंटीरियर्स की बात करें तो Hyundai अपने फीचर्स के लिए हमेशा ही फेमस रही है। अगर आपके दिमाग में आता है फीचर्स तो आप जाते हैं Hyundai। तो इसी फीचर्स के साथ देखते हैं कि ये प्रीमियम हैचबैक हमें क्या इंटीरियर फीचर्स ऑफर करती है। इसकी फीचर्स की लिस्ट काफी एक्सटेंसिव है। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम जनरली 7-inch के रहते हैं, बट Hyundai i20 इस सेगमेंट में आपको ऑफर करती है 10.25-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद Apple CarPlay एंड Android Auto। इसी के साथ साथ आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, वायरलेस चार्जर विद कूलिंग पैड, एयर प्यूरिफायर सिस्टम एंड ऐसे और सारे गुडीज। दिस मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट फीचर पैक्ड प्रीमियम हैचबैक इन इट सेगमेंट। सेफ्टी की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स मिलते हैं आपको। ओ यस, इट गिव्स यू 6 एयरबैग्स। ग्लोबल एनकैप टेस्टिंग किया गया था इस कार का एंड इट रिसीव्ड 3-star रेटिंग्स। बट उसी के साथ साथ अगर फीचर वर्सटिलिटी देखे तो दिस कार इज प्रीटी गुड। इट ऑफर्स यू अ बूट स्पेस ऑफ 311 लीटर्स एंड 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। इसे बनाता है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर अ प्रीमियम हैचबैक। Hyundai i20 आपको देती है 3 इंजन ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर पेट्रोल व्हिच गिव्स आउट 83 bhp एंड 115 nm टॉर्क। सेकंड ऑप्शन जो है वो है 1 लीटर पेट्रोल जो आपको देता है 120 bhp एंड 172 nm का टॉर्क। वेयर एज फाइनली वी हैव द थर्ड इंजन ऑप्शन व्हिच इज 1.5 लीटर डीजल जो आपको देता है 100 bhp पावर एंड 240 nm का टॉर्क। इसके डीजल अवतार की ARAI इकोनॉमी है 25.2 km/L, वेयर एज इसका पेट्रोल अवतार जो है वो आपको देगा 20.2 km/L। Hyundai i20 इज अग्रेसिवली प्राइस्ड बिटवीन 6.91 lakhs टू 11.4 lakhs एंड यही इसे बनाता है एक परफेक्ट मैच बिटवीन वर्सटैलिटी एंड प्राइसिंग ऑप्शंस विद अ लॉट ऑफ फीचर्स पैक्ड। This definitely is a car that makes heads turn. So now, हमने कुछ प्रीमियम ऑफरिंग्स देखे इन द हैचबैक सेक्शन, बट अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जो सेक्शन ने इंडियन कार सेल्स को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। Oh yes, the segment loved by the masses is the subcompact SUV segment. जी हाँ, ये सेगमेंट किसी का भी दिल लुभा सकता है। एंड इसी सेगमेंट के ऑफरिंग से स्टार्ट करेंगे। कमिंग इन एट नंबर 7 इज मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। ये गाड़ी इंडियन मार्केट्स में तकरीबन 5 साल से है, बट दिस कार गॉट इट्स फेसलिफ्ट इन 2020 के फेसलिफ्ट ने नई विटारा ब्रेजा को दिया है आगे का एंड पीछे का रीस्टाइल्ड बम्पर, नए प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED DRLs, आल्सो न्यू LED टेल लाइट्स, आल्सो एक नई ग्रिल मिली है विटारा ब्रेजा को एंड 16-inch ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स। दिस मेक्स क्वाइट अ बोल्ड स्टेटमेंट ऑन द मार्केट। फीचर्स की बात करें तो ब्रेजा ऑफर करता है 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इसी के साथ साथ ये हमें देता है क्रूज कंट्रोल, कूल्ड ग्लव बॉक्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रियर पार्किंग सेंसर्स एंड पार्किंग कैमरास एंड ऐसे और कुछ गुडीज। ब्रेजा के बूट स्पेस की बात करें तो ये देती है 328 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस एंड 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, व्हिच इज क्वाइट गुड। अब चलते हैं इंजन ऑप्शंस पे। बिकॉज ऑफ BS6 एमिशन नॉर्म्स, ब्रेजा ने अपने पुराने 1.3 लीटर डीजल इंजन को कर दिया है बाय बाय। सो अब आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है विद 2 ट्रांसमिशन मोड्स, दैट इज 1.5 लीटर पेट्रोल जो देता है आपको 105 bhp एंड 138 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसमें है 5 स्पीड मैनुअल या तो फिर 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और ये कॉम्बिनेशन ब्रेजा से निकालते हैं
18.76 kmpl in automatic and 17.03 kilometer per liter in manual transmissions. ये combine किया जाए अगर मारुति के brand name के साथ and उसके service record के साथ, तो एक काफी affordable and सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अच्छा ऑप्शन आपको देती है मारुति विटारा ब्रेजा. एंड इसका प्राइसिंग जो है फॉर अ सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट इज क्वाइट गुड. इट इज फ्रॉम 7.61 लाख्स टू 11.19 लाख्स. आल्सो इसका ग्लोबल इनकैप रेटिंग है 4 स्टार्स व्हिच मेक्स इट क्वाइट सेफ. टोयोटो, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आते हैं फॉर्चूनर एंड इनोवा जैसे ब्रांड्स. टोयोटो फॉर्चूनर एंड इनोवा में जितना ज्यादा सक्सेसफुल है उतना ही ज्यादा फेल कर चुका है यारिस, एटियोस, एटियोस लाइवा जैसी चीजों में. तो इसी से टोयोटो ने सोचा कि अब हमें अपना मार्क बनाना हो तो वी माइट नीड टू सेल अ कार विच इज रीबैच्ड. इसी से टोयोटो ने मारुति सुजुकी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिससे उनको राइट्स मिल गए मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा को रीबैच करके सेल करने का. इसके छोटे बड़े चेंजेस एक्सटीरियर्स में किए गए हैं जैसे फॉग लैंप्स है, बम्पर है, पर ओवरऑल पैकेज देखे तो टोयोटो अर्बन क्रूजर इज essentially rebadged and the same car as Maruti Suzuki Vitara Brezza. Na interiors mein zyada change hai, na engine specifications mein, ye car puri ki puri tarah same hai. Even though same car hone ke bawajood, Toyota is selling it at a price which is a bit higher than Vitara Brezza. The price ranging of Toyota Urban Cruiser is between 8.62 lakhs to 11.40 lakhs. Ye price ranging zyada karke टोयोटो क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, ये प्राइस रेंजिंग ज्यादा करके टोयोटो उसके साथ ऑफर करते हैं आपको 3 इयर्स वारंटी और 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी, वेयर एज मारुति जो है वो आपको ऑफर करती है सिर्फ 2 इयर्स और 40,000 किलोमीटर्स की वारंटी. इसी के साथ साथ देयर इज अ पोटेंशियली बेटर सर्विस अवेलेबल फॉर यू इन द स्टोर. कमिंग इन एट नंबर 5 इज रेनो काइगर. जी हाँ, रेनो कंपनी अपने डस्टर का सक्सेस रिपीट करना चाहती है विद इट्स लेटेस्ट एंट्रेंट इन द सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट, दैट इज रेनो काइगर. रेनो काइगर अपने फ्रेंच स्टाइलिंग के लिए काफी फेमस है. रेनो काइगर एक्सटीरियर्स में आपको ऑफर करती है एलईडी हेडलैम्प्स विद डीआरएल्स, 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, बॉडी क्लैडिंग, सिल्वर रूफ रेल्स एंड एलईडी टेल लैंप्स. काइगर के फीचर्स में आपको मिलेगा 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम. उसके साथ ही साथ वो ऑफर करता है वायरलेस चार्जिंग, 4 एयरबैग्स, रियर एसी वेंट्स एंड एन एयर प्यूरिफायर. उसी के साथ साथ एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलेगा आपको रेनो काइगर में. क्रूज कंट्रोल भी आपको दिया गया है एंड ड्राइव मोड्स के साथ काइगर इज क्वाइट फीचर पैक. काइगर हमें 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस देता है विद 3 मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. फर्स्ट ऑप्शन इज 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन विद 70 bhp एंड 96 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. सेकंड ऑप्शन में आपको मिलता है 1.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल, 97 bhp एंड 160 नैनोमीटर्स का टॉर्क. ये दोनों ही इंजन आपको मिलते हैं 5 स्पीड मैनुअल या तो फिर 5 स्पीड ऑटोमेटिक एंड सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ. ये कॉम्बिनेशन काइगर को बनाता है फ्यूल एफिशियंट विद एन इकोनॉमी ऑफ 20 किलोमीटर्स पर लीटर इन मैनुअल एज वेल एज 18 किलोमीटर्स पर लीटर इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन. काइगर इज प्राइस बिटवीन 5.64 एंड 10.09 लाख्स, जो उसको काफी एक अफोर्डेबल ऑप्शन बनाता है इन द सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट. ओह यस, वी हैव नाउ रीच्ड डाउन टू टॉप 4 कार्स टू बाय अंडर 15 लाख्स. जी हाँ, फेस्टिव सीजंस में कौन सी कार्स बाय करनी चाहिए उसकी टॉप 10 लिस्ट में हम आ चुके हैं. लास्ट 4, द फाइनल 4 पे वी आर ऑल ड्रेस्ड अप टू नो मोर. सो कमिंग इन एट नंबर 4 इज Hyundai Venue. जी हाँ, Hyundai की ये सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का लॉन्च जो है वो हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीचर्स देता है, बट उसी के साथ साथ उनके पास एक्सटीरियर ऑफरिंग भी काफी अच्छा है. सो Hyundai की एक्सटीरियर्स की बात करें, Hyundai Venue आपको देगी 16 इंच ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद एलईडी डीआरएल, एलईडी टेल लाइट्स, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स, सिल्वर स्किड प्लेट्स एंड मोर. नाउ कमिंग टू द इंटीरियर फीचर्स ऑफ Hyundai. Hyundai is a company जो अपने फीचर्स के लिए मानी जाती है. सो फीचर्स क्या ऑफर कर रही है Hyundai अपने Venue के साथ? Hyundai के फीचर्स जो है उसकी लिस्ट स्टार्ट होती है विद सनरूफ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एयर प्यूरिफायर्स, 8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले. इसी के साथ साथ आपको मिलते हैं फ्रंट एंड रियर रिवर्सिंग पार्किंग कैमरा. इसी के साथ साथ ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड 6 एयरबैग्स आर सम गुडीज दैट दे हैव पैक्ड मोर. इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Venue आपको ऑफर करता है 1.2 liter petrol which puts out 81 bhp
पावर एंड 115 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। उसके 1.0 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन की बात करें तो इट गिव्स यू 117 bhp का पावर एंड 172 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। इसी के साथ साथ वेन्यू आती है 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ भी, जो आपको ऑफर करता है 97 bhp एंड 240 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। दीज इंजन्स कम विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड IMT एंड 7-स्पीड DCT विद पैडल शिफ्टर ऑप्शंस फॉर इट्स 1.0 लीटर टर्बोचार्ज इंजन। इसी के साथ साथ वेन्यू आपको बूट स्पेस देता है 350 लीटर्स का एंड 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देता है, जो कि एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। सेफ्टी की बात करें तो वेन्यू को ऑस्ट्रेलियन NCAP टेस्टिंग में मिला है 4 stars, which is quite good. And उसी के साथ साथ ये सेकेंड बेस्ट इन इट सेगमेंट का ARAI फ्यूल इकोनॉमी देता है एट 23.4 किलोमीटर पर लीटर फॉर इट्स डीजल इंजन, 18 किलोमीटर पर लीटर फॉर इट्स पेट्रोल इंजन। The pricing of Venue starts from 6.99 lakhs to 11.85 lakhs, which is a quite good combination of its feature offering as well as its safety testing. So that's why Venue has made its spot on number 4. Coming in at number 3 is Kia Sonet. Kia ने अपने Seltos के सक्सेस के बाद इंडिया में अपनी जगह बना ली। लास्ट ईयर Kia ने लॉन्च किया इन द सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट Kia Sonet. Sonet जो है वो काफी बोल्ड एंड एग्रेसिव एक्सटीरियर के साथ आता है। सोनेट सपोर्ट करता है अपनी सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल। उसी के साथ साथ एक्सटीरियर में आपको मिलता है फुल LED हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प। उसी के साथ साथ आपको मिलेगा 16-inch ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स, रियर डिफ्यूजर एंड LED टेल लाइट्स। ये तो हो गई एक्सटीरियर की बात है। अब अगर इंटीरियर में जाते हैं तो सोनेट जो है वो आपको एक बेस्ट पैकेज देता है एज फार एज द सिस्टम्स एंड द फीचर्स आर कंसर्न। सोनेट इज वे अहेड देन इट्स राइवल्स। उसके इंटीरियर्स या फीचर्स के हाईलाइट अगर हम देखें तो दे कम विद ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 6 एयरबैग्स, सनरूफ, कार प्यूरिफायर सिस्टम, 10.25-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, UVO कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स विद रिवर्सिंग कैमरा एंड एम्बियंट लाइटिंग एंड मच मोर टू गो फॉर। किया सोनेट के इंजन स्पेसिफिकेशंस एंड आउटपुट जो है दैट इज ऑलमोस्ट वर्चुअली आइडेंटिकल टू आवर Hyundai Venue, तो वो फिगर्स देख के हम आपको वापस बोर नहीं करेंगे। बट यस, एक रिमार्केबल चीज जो किया सोनेट में है वो है कि उसका 211 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। जी हाँ, ये उसको काफी स्टैंड अपार्ट करवाता है। उसी के साथ साथ 392 लीटर्स का बूट स्पेस जो है वो उसे काफी रूमी भी बनाता है। इसी के साथ साथ एक चीज जो हम आपको खास कहना चाहेंगे वो है कि किया सोनेट का ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्टिंग नहीं हुआ है, बट विद ऑल दीज कॉम्बो फीचर्स उसका प्राइसिंग जो स्टार्ट होता है 6.89 लाख से एंड 13.99 लाख तक जा सकता है। किया सोनेट इज क्वाइट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स एज वेल एज लुक्स, so it has deserved its spot for number 3. Coming in at number 2, launched in 2019, is XUV300. जी हाँ, ये वही कार है महिंद्रा की जो सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में महिंद्रा ने लॉन्च किया एंड वो महिंद्रा को वापस रेस में ला चुकी है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। जी हाँ, इंडियन पब्लिक को बहुत पसंद है XUV सीरीज। XUV इज अ पावर पैक सीरीज एंड विद इट्स लेटेस्ट एंट्रेंट दैट इज XUV300, महिंद्रा इज बैक इन द गेम। उसके एक्सटीरियर्स के हाईलाइट इंक्लूड करते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फॉग लाइट्स, क्रोम ग्रिल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs। उसी के साथ साथ आपको मिलेंगे 17-inch अलॉय व्हील्स एंड LED टेल लाइट्स। XUV300 के इंटीरियर्स एंड फीचर ऑफरिंग्स भी काफी जोरदार है एंड वो उसे राइटली सेकेंड नंबर के स्पॉट का दावेदार बनाते हैं। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि XUV के फीचर ऑफरिंग्स क्या है। इट कम्स विद एन इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, ऑल व्हील डिस्प्ले, सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स विद रिवर्सिंग पार्किंग कैमरा। इसी के साथ साथ वो आपको देते हैं 6 एयरबैग्स। जी हाँ, 6 एयरबैग्स, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आर सम ऑफ द अदर फीचर्स दैट मेक्स इट वेरी डिस्टिंक्टिव। चलिए तो बात करते हैं इंजन ऑप्शंस। XUV300 आपको मिलेगी 2 इंजन ऑप्शंस में। सबसे पहला है 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो आपको देता है 109 bhp का पावर एंड 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। एंड अदर इंजन ऑप्शन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन जो आपको देगा 115 bhp का पावर एंड 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन में आते हैं विद 6-स्पीड मैनुअल या तो फिर 6-स्पीड AMT इंजन के साथ, जिससे आपको इसका फ्यूल इकोनॉमी रेटिंग जो है वो मिलेगा 20 किलोमीटर पर लीटर फॉर डीजल इंजन एंड 18 किलोमीटर पर लीटर फॉर पेट्रोल इंजन। Well, price between 7.95 to 13.33 lakhs and coming with a boot space of 257 liters and 180 mm ka ground clearance,
it makes this car a quite good package. But there is more. Ye car jo hai, that is the second Indian made car which has achieved 5-star global NCAP crash test safety rating. Oh yes. So this overall package becomes very, very, very lucrative. So if you want to go for XUV 300, we all feel it has made its right spot at number 2. So number 2 ka bahut sahi daavedar hai XUV 300. Ladies and gentlemen, we have reached down to number 1. Ji haan, top of the list. Kya aap guess kar sakte hai ye kaun si car hogi jo ye list ko top karegi? Agli car jo hai hamari, wo hai Tata Motors ka Gurur, uski nayi Nexon. Yes. हमारे इंडियन क्राउड्स की सबसे ज्यादा चहेती कार है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन गॉट इट्स अपडेट्स एज इन द फीचर्स एज वेल एज इन द एक्सटीरियर इन द रीसेंट ईयर एंड उसको अब जहां पे भी जाएगी अटेंशन मिलता था और मिलता रहेगा। नाउ दैट इट्स न्यू लुक्स आर देयर इट हैज गॉट अ लैंड रोवर थीम्ड फ्रंट एंड ड्यूएल बैरल प्रोजेक्टर हेडलैम्प उसी के साथ साथ ट्राइंगुलर एरो एलईडी डीआरएल्स जी हाँ ये फीचर्स जो है वो उसके एक्सटीरियर को एकदम यूनिक और डिस्टिंक्टिव बनाते हैं जहां भी जाएगी ये गर्दन घुमाएगी ऑन दैट नोट लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंटीरियर फीचर्स आपको टाटा नेक्सॉन के इंटीरियर्स में मिलते हैं सनरूफ क्लाइमेट कंट्रोल क्रूज कंट्रोल ड्राइविंग मोड उसी के साथ साथ 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो इसी के साथ साथ आपको मिलेगा सिर्फ 2 एयरबैग्स बट स्टिल Tata Nexon is India's first car to achieve 5-star crash test ratings in global NCAP. And ji haan, sirf 2 airbags ke saath ye ratings lena is quite commendable. To jab aap is gaadi ke andar baithenge, aap safety ke liye guaranteed reh sakte hain. Tata Nexon ke engine ki baat kare to aapko ye 2 engine offerings mein milti hai. Petrol offerings ki baat kare to aapko milte hai 2 engine options in Tata Nexon. First one is 1.2 liter petrol engine, 118 bhp ka power and 170 newton meters ka torque. Other option is diesel engine jo ki 1.5 liters ka hai. Ye aapko dega 108 bhp power and 260 newton meters ka torque. These engine options are combined with 5-speed manual or 5-speed AMT. Jo aapko dega fuel economy of 22.4 kilometers per liter for its diesel avatar. Whereas petrol engine aapko dega 17 kilometers per liter. टाटा नेक्सॉन आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस देता है जो काफी रूमी है एंड 209 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको स्लाइट ऑफ रोडिंग के लिए मदद कर सकता है द प्राइस रेंज स्टार्ट फ्रॉम 7.28 टू 13.23 लाख एंड दिस मेक्स टाटा नेक्सॉन अ कंप्लीट पैकेज सो दीज वर अवर 10 कार्स अंडर 15 लाख अगर आपको ये वीडियो में कुछ और एडिशन चाहिए या आपको किसी कार के बारे में और कुछ नॉलेज चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में तो लिख ही सकते हैं बट यू कुड आल्सो विजिट अस एट www.carjasus.com एंड वी वुड हेल्प यू असिस्ट टू गेट योर ड्रीम कार एट द बेस्ट रेट्स पॉसिबल जी हाँ अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू मिलता है तो प्लीज नीचे हमें लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दिस इज अभिराज कानेटकर योर पर्सनल कार जासूस एंड दिस इज गुड बाय फ्रॉम मी हास्ता ला वीस्ता